सहिबा की मौत के भावनात्मक प्रतिसाद के बाद परिस्थितियों में और भी तीव्रता आती है। अंगद नकारात्मकता में रहते हैं, वहीं सीरत अपने आप को दुख में संभालने की कोशिश करती है और परिवार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ती है। जब सभी सहिबा के घर जमा होते हैं, अपनी संवेदना और यादों का आदान प्रदान करते हैं, तो एक रहस्यमय प्रतिमा घर की ओर बढ़ती है। यह एक महिला है जो सहिबा के समान दिखती है। वह अपना परिचय नैना के रूप में देती है, सहिबा की जुड़वा बहन। वह बताती है कि जब वह बच्चे थे तब वह सहिबा से अलग हो गई थी और इन सभी वर्षों में उसे ढूंढ रही थी। सीरत पहले थोड़ी संकोची होती है, फिर कुछ पुराने पारिवारिक फोटो के माध्यम से पुष्टि करती है कि नैना वास्तव में सहिबा की बहन है। अंगद जब नैना को देखता है उसे भावनात्मक आंधी में ले जाता है। अंत में जब अंगद सहिबा के पास बैठता है, उसे जाने से रोकता है, तो नैना उसके पास जाती है। वह एक लोरी गाती है, वही एक जो उनकी माँ उन्हें गाकर सुनाती थी, और अंगद सहिबा की मौत के बाद पहली बार पूरी तरह से टूट जाता है। अगले एपिसोड के प्रिकैप के लिए, नैना अपने अतीत से एक गहरा रहस्य उजागर करती है जो परिवार के लिए सब कुछ बदल सकता है। अंगद नैना की उपस्थिति को स्वीकार करने में संघर्ष करता है। परिवार सहिबा की अंतिम रस्मों की योजना बनाता है, जिससे आगे की नाटक और प्रकटीकरण की स्थिति बनती है। मजबूत नज़ारा।